नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेदिनीनगर में उधारी शराब मांगने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें शराब दुकान के सेल्समैन वैजनाथ यादव गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह घटना साहित्य समाज चौक स्थित शराब दुकान के पास घटी, जहां वैजनाथ यादव बतौर सेल्समैन काम करता है। घटना के बाद शहर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। प्राथमिकी में वैजनाथ यादव ने बताया कि शराब दुकान के पास से स्थित हांडी मटन के संचालक आकाश कुमार ने बिना पैसे दिए शराब की मांग की। जब वैजनाथ यादव ने उधारी शराब देने से मना किया तो आकाश ने विवाद शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर आकाश ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वैजनाथ यादव के साथ मारपीट की, जिसमें वैजनाथ के सिर पर गंभीर चोट आई है। घटना के बाद घायल वैजनाथ यादव को इलाज के लिए MMCH अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं शहर थाना पुलिस को इस मामले में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। मांगने लगा सिग्नेचर का हाफ फ्री में ले दो, रंगबाजी कर रहा था तो उधार दो, फ्री में दो। इसके बाद नहीं देने पर मारपीट करने लगा। इसके बाद आकाश और अपना सब लेकर गए कि यहाँ दोगे तो इसको फ्री यहाँ देना पड़ेगा तुमको, नहीं दोगे तो मारूंगा। हमको फ्री मैं नहीं दूंगा, मेरा मैनेजर है, मैनेजर से पूछ के मैं दूंगा, मैं फ्री कह दूंगा, हमको भरना पड़ेगा। इसी पर नहीं दिए, नहीं देने के बाद मैं मारपीट किए, सरिया से मारने लगे तीनों।